राजस्थान में पैदा हुई एक लड़की जिसे पैदा होने की परमिशन नहीं थी। इसका नाम फालतू होगा, फालतू। छोरी बनकर जन्म लेना कितना बड़ा अभिशाप होगा। लड़की के पैदा होने पर माँ बाप का चेहरा उतर जाना, उसे बराबरी का हक ना देना, यहाँ तक कि उसके पैदा होने पर अपनी किस्मत को कोसना, ये चीजें आज भी कई जगह होती हैं, स्पेशली विलेज एरियाज में ये आज भी नॉर्मल सी बात है। इसी पर बेस्ड एक शो स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हुआ है जिसका नाम है फालतू। इस शो में एक लड़की के पैदा होने पर गांव वाले उसका नाम फालतू रख देते हैं। बाहर वाले तो उसे मनहूस बुलाते ही हैं, पर उसकी खुद की माँ भी उससे दुखी रहती हैं और हर समय जलीकटी सुनाती रहती हैं। इस शो के लीड एक्ट्रेस निहारिका चौकसी मात्र 17 साल की उम्र में एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रोल प्ले कर रही हैं। तो कौन है निहारिका चौकसी, कहाँ से बिलोंग करती हैं और कैसे इतनी कम उम्र में उन्हें ये शो मिला, और कैसे निहारिका अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने काम को मैनेज कर रही हैं? दोस्तों, निहारिका की लाइफ से जुड़ी सभी बातें जानने के लिए इस वीडियो से एंड तक जुड़े रहिएगा। तो बिना देरी के चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई भी न्यू अपडेट आपसे ना छूट पाए। फालतू, अपनी मंजिल पाने के लिए तुमने मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया है। तुम्हारा नाम सही रखा है किसी ने? फालतू। 21 अप्रैल 2005 को बुरहानपुर MP में एक बहुत ही ज्यादा क्यूट और टैलेंटेड बच्ची का जन्म हुआ, जिसे घर में सब प्यार से नेहू बुलाते थे और जिसे आज हम सब निहारिका चौकसी के नाम से जानते हैं। निहारिका की फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा एक छोटा भाई है। निहारिका के फादर एक बिजनेसमैन है और उनके पापा के सपोर्ट से ही निहारिका इतनी यंग एज में यहाँ तक पहुँच पाई। निहारिका बताती हैं कि जब से उन्हें पता चला कि चाइल्ड एक्ट्रेस नाम की भी कोई चीज होती है, तभी से उन्हें एक्टिंग ही करनी थी, लेकिन इस फील्ड में कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट न होने के कारण उन्हें इस इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। सबसे पहले तो निहारिका ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, जिस पर उनके फादर ने उन्हें समझाया कि सब कुछ इतना जल्दी नहीं होता, और अपने पापा की ये बात निहारिका को भी ठीक लगी और उन्होंने बोला कि प्लीज पापा, पहले एक बार मुंबई घूमने चलते हैं, बाकी आगे देखेंगे। इस बात पर उनके फादर भी मान गए और मुंबई जाकर निहारिका ने कई जगह ऑडिशंस और इंट्रोडक्शंस दिए। तभी कुछ टाइम बाद उन्हें यह है मोहब्बतें सीरियल में कैमियो रोल का ऑफर आ गया, जिसके बाद निहारिका मुंबई शिफ्ट हो गई। इससे पहले मुंबई से उनका दूर दूर तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। मुंबई में शिफ्ट होने के बाद निहारिका को काफी टीवी एड्स के ऑफर्स मिलने लगे और HDFC बैंक, Amazon, सोफी जैसे कई एड्स में निहारिका नजर आई। बाद में वो स्वरा भास्कर के साथ जहां चार यार और नुसरत भरूचा के साथ जनहित में जारी जैसी मूवीज में भी स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। इन सब के बाद निहारिका को उस शो में काम करने का मौका मिला जिसके आज सभी दीवाने हैं। स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में बिरला परिवार की बेटी निष्ठा बिरला का रोल प्ले किया। यहाँ उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और ये शो निहारिका की लाइफ का पहला शो था जिसमे उन्होंने लंबे समय तक काम किया। पर बाद में निहारिका ने इस शो को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल पा रहा था और उनके 12th बोर्ड के एग्जाम भी आ गए थे। तो निहारिका ने सोचा कि ये ही सही टाइम है इस एज ग्रुप के रोल से निकल लीड रोल के लिए ट्राई करने का। फिर 2 महीने तक निहारिका ने सिर्फ लीड रोल के लिए ऑडिशंस दिए। निहारिका बताती हैं कि पढ़ाई और अपने काम को मैनेज करने के लिए मैं हमेशा ऐसे स्कूल और कॉलेज को चूज करती हूँ और करूँगी जो कि उनके इस फील्ड को सपोर्ट करते हुए उनके एग्जाम्स को भी मैनेज कर ले। फालतू जैसे शो में सिलेक्ट होने के लिए निहारिका ने इसका ऑडिशन दिया और जब वो सिलेक्ट हो गई तो सबसे पहले उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और ये जाना कि इसका नाम फालतू क्यों है, और तभी से वो कहानी से इमोशनली अटैच हो गई थी। इस शो के लिए ऑडिशंस देने वाली निहारिका पहली लड़की थी और शो के प्रोड्यूसर ने उन्हें देखा और एक हफ्ते में ही फाइनलाइज कर लिया था। इस शो के बारे में बात करने पर निहारिका कहती है कि इस सीरियल की स्टोरी ऐसी है कि कोई भी लड़की इससे आसानी से कनेक्ट कर सकती है, क्योंकि भले ही फालतू जितना ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों को लड़कों से कम आंका जाता है। दोस्तों, इस शो में आपको निहारिका की एक्टिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे यार जो भी बोलो, सोनी थे मैं, हाँ, और कदे कदे तो मैं बहुत ही ज्यादा सोनी लगती हूँ, है ना? नजर ना लगता है।